इसका नाम है जोन मुराद, जिसे ना जूद हजम कहते हैं, जब भी हजम होने वाली ऐसी जगह जहां मुरादें जल्दी पूरी हो। मैंने पूछा इसका नाम जूद मुराद तो असल में रशियन दौर में यहां सब बिस्मार कर दिया, यहां नबी हजरत सलाम की मजार है जिसका निशान था, और जो इस मस्जिद में आता था और दुआ करता था हजरत जर्जीस इस्लाम जैसे नबी अजीम नबी, फिर मैं जाके मैंने हिस्ट्री में उनकी तारीख में तलाश की, हजरत जर्जीस सलाम मस्जिद, उनकी तारीख, उनकी हिस्ट्री, उनकी नबूवत, उनका कमाल और उनकी दीन पे मेहनत और फिर उनकी शहादत, ये सारी के सारे उनका मजाक उस कोने में है। असल निशान खत्म हो गया उस बात के दौर में, यहाँ का हर चीज मिटा है लेकिन मस्जिद ये चीजें अभी है। तो ये मस्जिद जून मुराद है, जून जहाँ मुराद है, जहाँ मुरादें पूरी, जहाँ मुरादें पर, जहाँ दुआएं कबूल, जहाँ हाजतें हुई और जहाँ अल्लाह की गाथ है ताल्लुक तार और भाग मस्जिद। ये मस्जिद जो मुराद है और अल्लाह के नाम से करें दुनिया भी इस्लाम। माशाल्लाह 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 मोहम्मद अकबर बकरी लाहौर पाकिस्तान, लाहौर पाकिस्तान। हमारे दिल की दुनिया बदल दे, दुनिया बदल दे, हिदायत की हवाएं चला दे, हिदायत के जरिए के तौर पे हमें और हमारी नस्लों को और हमारे जान माल वक्त को कबूल हमारी जरूरतों को गैर से पूरा करो, हमारी मुश्किलों को हल करो, हमारी परेशानियों को दूर करो, किल्लत जिल्लत और किल्लत से निकाल दो, हमारी नस्लों को निकाल कर समरकंद की हवाओं और फजाओं में वो रूह की दुनिया फिर से जिंदा आबाद और अशाद कर दे, हमें उस जवाल से बचा जिस जवाल में ये आ गए, जिस आजमाइश में ये आ गए, हमारा कसूर था, हम इनको आते हाल हवा देते, हम तो अपने भाइयों को भूल गए, अपने मौसमों को भूल गए, समरकंद के लोग हमारे मौसम थे और अजीम इंसान थे, या अल्लाह हमारे इस जुर्म अजीम को माफी दे दे, कर दे, जितनी जरूरतों वाले बैठे हैं सबकी जरूरत में पूरी, सबकी मुश्किलें हल कर, सबकी परेशानियां दूर कर, कर्जों की खलासी, रिस्क में इजाफा, बेटों और बेटियों के मसाइल में अब तेरी रहमत और साथ, और घरों के उजड़ने में ना होने में तेरी बरकत और तेरा हाथ, और घर आबाद और शाद हो जाए, हमें हमारी नस्लों को तलाकों के दाग से बचाए, तलाकों के दाग से बचाए, या ना मजबूर होने से बचाए, ना ऐसा लम्हा ना आए कि बेबस हो जाए, हर पल अपनी रहमत को मुतवज्जे फरमा, फजल को मुतवज्जे फरमा, दुनिया आखरत की सारी जरूरतें गैर से पूरी होता, बंदियां बंदे आए हैं इन्होंने दुआओं के लिए कहा चाहा और लिखा या दिल में दुआएं लेके बैठे, अल्लाह उस सब की जरूरत जाने भी और सुने भी, उन सब की जरूरतों के गैप से मुश्किलें हल कर, मुश्किल परेशानियां दूर कर, या अल्लाह जो मांगा अता फरमा, जो नहीं मांगा अता फरमा, सदा खैर को मुतवज्जे फरमा, हमारे सफर को आसान फरमा, कबूल फरमा, और इसकी कबूलियत हमारी नस्लों में अता फरमा। मेरे परदादा 1919 में हज पे तशरीफ ले गए थे और उनके दादा और उनके वालिद सारे हज पे गए थे, अल्लाह मैं जो कुछ देखता हूँ उन बड़ों की दुआओं की बरकतें देखता हूँ, अल्लाह जिस तरह मुझे दुआओं में हिस्सा मिला और मेरे मुझे दुआओं की बरकत पूरी उम्मत से आलम से मिली, इस तरह ये मेरे साथी हैं, मेरी दरख्वास्त पे ये जान माल वक्त खर्च करके आए,
اللہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے گھر چھوڑ کے آئے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے مجھے اپنی رحمت سے برکت کا ذرا دیا ہے میری نسلوں کو بھی ان کو بھی عطا یا اللہ بڑوں کی قوم میں ان کو بھی حصہ دے دو آمین جہاں جہاں گئے ہیں ان سب کی غیب سی ضرورتیں پوری کرو جو حضرت جرجیس علیہ السلام ہیں ان کی خدمت میں ہم کلمہ پیش کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ یا اللہ ان کی برکات سے ہمیں مستفید دنیا بھی دے آخرت بھی دے ابھی ہماری سمرقند سے روانگی ہے خبر نہیں زندگی کا کوئی پل اسے لائے یا نہ لائے پر مولا ہمارے اس کلمے کو گواہ بنا کے تو کہہ دے تم نے آ کے سمرقند کی فضاؤں میں کلمہ پڑھا تھا اور سمرقند کی پیاسی فضاؤں کو کلمہ دیا تھا اور پیاسی فضاؤں کو ایمان کی روشنی کے لیے فکر مند ہوئے تھے ہمارے جذبوں کو بھی قبول فرما اخلاص عطا فرما ہماری حاضری کو بھی قبول فرما وصحبه واهل بيته واطرته اجمعين امين برحمتك يا رب